रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं और माशाल्लाह से हमारे सारे का टाइम हो गया है। अभी लकड़ियाँ तोड़ के जा रही हूँ। यहाँ पे रात को ना रोटी लगाई थी अफ्तारी के टाइम, तो पतली पतली लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने दो जो है ना तोड़ ली है। तो यहाँ पर सीमेंट वाला गट्टू भी उठा लिया ताकि जल्दी जल्दी से मेरी आग जल जाए। और अल्लाह ताला की करिश्मा देखें, मैं इतना आज खुश हूँ। आज मैं अभी सहरी के टाइम उठी हूँ, तो देखें अल्लाह पाक ने मुझे रात रात अमीर कर दिया। ये देखो इतने सारे ट्रैक्टर आ गए, ये भी ट्रैक्टर है और उधर भी ट्रैक्टर है। ये हर तरफ ट्रैक्टर, जिधर ही कैमरा घूमो ट्रैक्टर ट्रैक्टर खड़े हुए। ये सारे आपके हैं? अल्लाह की नेमत है। मस्जिद का काम हो रहा है ना, तो वो बेचारे जो यहाँ पे भराई कर रहे थे ना मट्टी की, हाँ। वो लोग सब यहीं पे अपने जो है ना गाड़ियाँ करा के गए हैं। तो चलो मैंने कहा क्यों ना अपने बहन भाइयों के साथ फन किया जाए। चले, और सारे मौली साहब भी उठ गए हैं एक दफा। आज है माशाल्लाह जुम्मतुल मुबारक और सबको बहुत बहुत जुम्मा एडवांस में मुबारक हो। तो अभी स्टार्ट हो रहा है, तो जुम्मे का रोज़ा सबको बहुत मुबारक हो और जुम्मा बहुत मुबारक हो। आज जब हमारी ये वीडियो अपलोड होगी तो जुम्मा जा भी चुका होगा। तो सोलवा रोज़ा सबको मुबारक हो। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ढेरों खुशियाँ दे। अल्लाह पाक इस रमज़ान पाक के सदके हर दिल की ख्वाहिश हर किसी की पूरी हो। अभी जल्दी से जाते हैं नाश्ता सारी बनाते हैं तो फिर सबको कराते हैं। पर्दा रहने दिया था अफ्तारी में रात, इसको नहीं उतारा था, बाकी सारे उतार के रख दिए हैं। बरस और दो पर्दे वो नहीं उतारे जो कि वो खाना वाना बनाने की, वहाँ पे जो ख्वातीन बैठी हुई थी खाना वाना बना रही थी, तो उन्हें बेपर्दगी होती थी उस साइड से, तो वो भी हमने नहीं उतारे। तो अभी जी बिस्मा बेचारी लगी हुई है साथ में, मामी की हेल्प कर रही हैं बहुत सारी, और मामी जो है अंदर आ चुकी हैं फ़िलहाल। ये बल्लभ हम बाहर भी निकाल लेते हैं और अभी अंदर भी, हाँ अंदर भी हम लगा लेते हैं, दोनों काम आ जाता है। और जब से बारिश आई है ना, आपको एक चीज़ शेयर करता चलूँ, तब से जो ये मक्खियाँ हैं ना ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है मुझे लगता है। ये इस मौसम पर हो जाती हैं लेकिन बीमारी लेकिन एक में ज़्यादा हो जाती, हाँ, हैं। एक माह आती हैं, एक माह के बाद ये सारी खत्म हो जाती हैं। उल्टियाँ, मोशन, ये हर चीज़ इन मक्खियों की वजह से ही लगती हैं। लेकिन हम तो बहुत केयर करते हैं अपनी तरफ से, बहुत केयर करते हैं, इनको अच्छे से धोते हैं, बार बार बर्तनों को धो के इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन फिर भी हो जाता है मेरे ख्याल में, क्योंकि तादाद में काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करती हैं बहुत कम वक्त में। बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करने के इनके अंदर सलाहियत है। आग जलते ही मामी ने तेज की चूल्हे पर चढ़ा दी और बीच में पत्ती और चीनी डाल के खड़ा कर देंगी, और बाद में साथ साथ में आटा बना लेंगी। तब तक हमारी चाय भी रेडी हो जाएगी और आटा भी रेडी हो जाएगा, तो साथ में दोनों काम हो जाएंगे। फिर जल्दी जल्दी बनाने लग जाएंगी जी सॉरी। और उसके बाद मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करता चलूँ, हमें अक्सर पता देर क्यों हो जाती है हमारी, जब तक यहाँ चाय बनती है ना वहाँ रोटी जो है ना वो देर हो जाती है, इसीलिए। तो मैं सोच रहा हूँ आज मामी को कोई ऐसा इंतज़ाम करके दूँ कि सेकंड बर्नर हमारे पास होना चाहिए जिस पर चाय तैयार होती रहे और मामी यहाँ पर रोटी तैयार कर ले। नहीं वो कोई बात नहीं, वो साथ चलता रहता, वो तो मैं बनाता रहता, आप तो सिर्फ काम ही करती रहती है ना। अच्छा फिर ये देखो ना दूसरा चूल्हा कैसे बनाए, अभी यहाँ पे हम चाय चढ़ा दी है ना, हाँ। अब आटा गूंद लेंगे, फिर जब तक मैं आटा गूंदती चाय तो वैसे हो जाती है, चाय नहीं होती है अक्सर औकात नहीं होती ना, आपको वेट करना, आपको वेट करना पड़ता है क्योंकि चाय बन रही होती है पूरी फैमिली की, अगर हमारी सिर्फ बने एक मिनट में वो तो हो जाएगी, ठीक है। ये पूरी फैमिली की जब हो रही होती है ना तब नहीं होती, तो फिर हमें देर हो जाती है, तो इसको बॉयल होने में भी देर लगी, इसलिए देर लगेगी। अभी साथ में आटा भी बनाया जा रहा है, एक तीर से दो शिकार किए जा रहे हैं, पर ये दो शिकार जो है ना हमारे किसी काम के नहीं आते, अक्सर औकात हम शरी कर रहे होते हैं, तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट बाकी बचे होते हैं। अच्छा मैंने मक्खियों को बाहर निकालने की कोशिश की है, ट्रिक ये है समझिए, इस कपड़े की मदद से ऐसे ऐसे करके मैंने बाहर निकाला है, मुझे लगता है 70% चली गई हैं, कुछ 10% बैठी हैं, और उसके बाद धुएं ने हमला कर दिया इन पर, मतलब अंदर आने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है,
पर देखते हैं क्या होता है, आती है या नहीं आती। अपनी कोशिश कंटिन्यू करो, चलो भगाओ मक्खियों को बाहर। लेकिन अभी नहीं, अभी क्योंकि आटा चल रहा है इधर, सारी लाचियां मिक्स हो जाएंगी। अगर कपड़े के साथ वो अटैच हुई तो मतलब हो सकता है कि इसमें चले जाए, गिर ना जाए। हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है और साथ में जी आटा भी, और आटे के पेड़े बनाए जा रहे हैं अभी, बीच में ऑयल लगा के जो बल वाले पराठे होते हैं उन्हें क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है थोड़ी बहुत, ताकि जो हमारी रेसिपी है वो मज़ेदार हो, यानी कि हमारी शहरी मज़ेदार हो। और शहरी में अक्सर हम यही हमारा नॉर्मल होता है कि हम यही बना रहे होते हैं, सबको नॉर्मली खाना चाहिए, नॉर्मली खाना चाहिए, बाद में फिर बहुत कुछ होता है। ये भी मतलब ज़्यादा नॉर्मल नहीं है, बिकॉज ये पराठे हैं, ये मतलब जब कुछ नहीं होता है, चाय के साथ खाओ, चाय के साथ खाओ, कुछ नहीं होता। हमारी लाडो खाला भी आ चुकी हैं और लाडो खाला ने आते ही अपनी मेडिसिन ले ली है, जो कि वो बगैर कुछ खाए पिए पीती हैं। ये ध्यान हुआ है, गोली खानी होती है ना। चलें चलें, रास्ता दे। अभी आंखों में धुआं जा चुका है, ये ना कि आप लोगों पे गिरे लाडो खाला और नुकसान आप लोगों का ही होना है। लाडो खाला बिल्डोजर लेके घूम रही है। नहीं, आप लोग, धुआं आ गया ना हमारे ऊपर, ये आ गया, हम लोग उठ सकते कभी भी नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ, नुकसान आप लोगों का, मैं भी आप लोगों का सोच रहा था। अभी चाय रेडी हो चुकी है, जल्दी से अभी बनाते हैं जी खाना। मामी तवा चढ़ाए हैं, 35 मिनट रह गए हैं। आज देखें पेड़े भर भर के बनाए हुए हैं, पानी पी लिया करो जैसे मैं पानी पीती हूं। आज पेड़े देखें कितने बनाए, क्योंकि आज लाडो खाला भी रोजा रख रही है, क्योंकि रोटी खाएंगी तो 5-10 रोटी तो ये खा जाएंगी। ऐसे नहीं, वैसे आप लोगों को लगता होगा कि ये बहुत ज़्यादा खाती होंगी, लेकिन ये बेचारी ना एक रोटी या आधी रोटी खाती है, ये ऐसे ही लगता है आप लोगों के कि ये बहुत ज़्यादा खाती है ना, कि ये ज़्यादा ये खाती है। हाँ, ज़्यादा ये खाती है, जो जो मतलब कि नहीं खाने वाले होते ना, जो आपको नहीं लग रहा है कि ये नहीं खाती होगी, ये ज्यादा खाती है, ये सबसे ज्यादा खाती है, सबसे ज्यादा खाती है। ये बात भी सच है, शहरी के टाइम खाती नहीं है, और खाती है। शाम पूरे दिन खा जाती है, शाम को बहुत खा जाती है। शाम को वैसे कितनी रोटी खाती है आप, सारा दिन में? शाम को तो वैसे अच्छी नहीं लगती, अगर रोजा होता नहीं अच्छी। शाम को भी मैं आधी रोटी खाती हूँ, कभी कभी खाती नहीं हूँ। तो वैसे जिंदा कैसे हैं आप? वो तो अल्लाह को पता है, ये इंटरव्यू में जरूर लेना है आपसे। जिंदा कैसे हैं आप? लेकिन मुझे नहीं महसूस होता, मैंने कुछ नहीं खाया। चले, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही। चले अभी तवा मामी ने धो लिया, तो अभी जल्दी से चढ़ाते हैं। लेकिन धुआं मामी ने बहुत ज्यादा कर दिया, अगर धुआं ऐसे नजर नहीं आ रहा आप लोगों को, मैं लाइट जला के दिखा देता हूँ कितना धुआं है, चेक करें, बहुत ज्यादा धुआं है जी। लाइट को बंद करो, थोड़ा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट लाइट पड़ती है, थोड़ा फर्क पड़ जाता है, लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा हो गया है जी। अल्हम्दुलिल्लाह सबको शहरी मिल चुकी है और सब शहरी कर रहे हैं, और अभी मेरी शहरी भी आ चुकी है यहाँ पर, मामी सालन डाल रही है, तो अभी शहरी करते हैं, और शहरी करने के बाद इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने शहरी कर ली है, अभी मामी की बारी है, मामी बेचारी अभी कर रही हैं, और टाइम जो है वो काफ़ी कम रहता है, और हमें चाय मिल चुकी है जी, और आज प्याले में चाय लिए क्योंकि वक्त कम रहता है, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, मतलब प्याले में चाय सही होती है, ठंडी हो जाती है, वो देखो 5 मिनट रहते हैं बाकी, 5 मिनट रहते हैं। शहरी का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। रोज़ेदारो, अल्लाह नबी के प्यारो, शहरी का टाइम ख़त्म हो चुका है, खाना पीना बंद कर दो। अच्छा, हाँ, आग बंद नहीं की, खाना पीना बंद कर दिया। चले, खाना पीना बंद कर दे। बिस्मा, गोली खा ली है क्या? अभी सोच रही हो? चले, नींद में होती है। अच्छा, रोज़ा सबने रख लिया है, माशाल्लाह। चलो जल्दी जल्दी उठो, नमाज अदा कर लो, और वो आपने बड़ा वाला ट्रैक्टर खींचना है, ठीक है? सही, बड़ा वाला। और मैं, मामी आपने वो भरनी है ट्राली, ठीक है? ट्राली भरनी, इसने क्या करना है? विस्मा ने, हाँ। एक नहीं, आप ऐसा करना, वो जो मरा हुआ ट्रैक्टर नहीं है 240 से उसे धक्का लगाना बस, सिर्फ ट्रैक्टरों को, ठीक है? तो जल्दी जल्दी अपने अपने काम पे, और तैबा
तैबा इधर देखो, तैबा क्या कर रही है? ये बताया कि कहाँ कहाँ पे डालनी है मिट्टी। बाय बाय। उठ के आ गई है जी, रो रही थी तभी मामी के पास आई है। तो अभी सैरी करने के बाद जी हम सब नमाज पढ़ के थोड़ा रेस्ट करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, बाद में हम जाएंगे। कल भी हमने मतलब कोशिश की थी कि हम जो राशन आया हुआ सिस्टर की तरफ से वो चला दें, लेकिन कल बारिश की वजह से औरतें जो है ख़वातीन वो दूर दूर से आनी थी नहीं पहुंच सकी। तो आज हम इंशाल्लाह सबसे पहले काम यही करेंगे, उठने के बाद राशन ले आएंगे और राशन तकसीम करेंगे। ऐसे नहीं लाडो खाला, ख़वातीन को बोल दिया ना 10 बजे का चलें जी। ठीक हो गया जी, 10 बजे इंशाल्लाह उनको राशन उनकी अमानत उनके हवाले करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद जी बाकी के सारे काम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह जी आज दूसरा दिन है और लगे हुए हैं भर्ती करने वाले। आज उस्ताद साहबान इसी वजह से नहीं आए कि ये भर्ती क्लियर हो जाए तो फिर वो आ जाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये वाली साइड जो है ना क्लियर करके यहाँ पर डाल रहे हैं सारी। अच्छा चलो मामू, चलिए फिर मैं राशन बनवा के ले आता हूँ, आप ये काम करवा लें तब तक, फिर वो औरतें भी पहुँचने वाली हैं। चलें फिर राशन देते हैं उनको, जल्दी जाएं, मैं ये कंप्लीट करवाता हूँ आप राशन। चलें ठीक जी। अल्हम्दुलिल्लाह सही करके हम सो गए थे, फिर एक सिस्टर की राशन बनवाना था। जब हम उठे हैं तो मामू ने बोला है कि जाके सबसे पहले जो है ना राशन जाके बनवा के आओ, और हमने ख़वातीन को भी बोल दिया है वो लेने के लिए आने वाली होंगी, तो आप सबसे पहले जाओ राशन बनवा के लाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं शॉप से, और एक सैंपल जो है ना सैंपल के तौर पर हमने राशन निकलवा लिया है, फिर जो है राशन बनवाते हैं भाई से। ठीक है भाई, यही राशन यही हिसाब रखना है और यही राशन आपने बनाना है। ठीक है, और इसमें ज़रूरियात मतलब रमज़ान का पूरा पैकेज है, इसमें रूह अफ़ज़ा है, 2 kg घी है, मिक्स बार है, और इसके बाद जी ये लाइफ बॉय है, सर्फ एक्सेल है, सुप्रीम है, उसके बाद ये माचिस का डिब्बा है, साल्ट है आयोडीन वाला, और ये है जी सिवैयाँ, इसे बोलते हैं ना सिवैयाँ हैं, और ये क्या है, धनिया पाउडर है जी, ये हल्दी पाउडर है, ये सुर्ख मिर्च पाउडर है, ये दाल है चाल चना, और ये जी दाल माश है या खैर दाल मूंगी है, दाल मूंग, और ये है जी खजूरें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक कंप्लीट पैकेज है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह जी राशन हमने पैक करवा लिया है, तो अभी लोड करवाते हैं। और आज मज़े की बात बताऊँ, आज हम लियारी एक्सप्रेस पे लोड करने वाले हैं राशन। ये आया हुआ था तो भाई आसिफ ना इसको खींच के लेके आया है। ये आपके दोस्त का है? दोस्त है। चलें जी, ये आसिफ भाई के दोस्त का है जी, ये लियारी एक्सप्रेस, तो हम इसे बगैर डीजल और बगैर पानी वाली गाड़ी को लेके आए हुए हैं। सही है हमारी गाड़ी? हाँ जी, ठीक है। ज़बरदस्त है ना, डीजल की टेंशन ना पानी की टेंशन, बचत ही बचत है। यही चलेगी लियारी एक्सप्रेस, अभी इसको मैं जब चलेगी तो फिर भी दिखाऊँगा आपको जी। अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो राशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने गाड़ी पे लोड कर दिया है, ये गधा गाड़ी पे। तो अभी आसिफ भाई अपने बेटे को भी बिठाएंगे, इधर आ जाओ, इधर इस साइड पे, उस साइड पे वो बैठेगा। चलें जी आ जाओ भाई, आप भी बैठो अपनी सीट पे। ये भाई बैठेंगे यहाँ पे, और वो भाई मेरे पास बाइक है, मैं बाइक पे आया हूँ तो बाइक पे वापस जाऊँगा। ख्याल से ले जाइएगा, और ये ब्रेकें हैं जी, ब्रेक लग नहीं रही है। चलें जी अभी चलते हैं घर, और घर जाके गाड़ी गई, मैं भी पीछे चलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी राशन मैं लेकर आ गया था, और मामू ने उसे तरतीब भी दिलवा लिया है जल्दी जल्दी, क्योंकि ख़वातीन आई हुई हैं और ख़वातीन को है रोज़ा, तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी से तरतीब दे लिया है राशन को, और पैक करवा लिया है, और कलीन भी यहाँ पर बिछा दी हैं, तो यहाँ पर बिल तरतीब बिठाते हैं पुरसकून तरीके से, और यहाँ पर इन ख़वातीन को राशन देते हैं जल्दी जल्दी से। नानियों में भी यहाँ पर आ चुकी हैं, और अभी सब जो है ना तरतीब दे रहे हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि ख़वातीन को रोज़ा है तो हम नहीं चाहते कि वो ज़्यादा देर इंतज़ार करें, तो जल्दी जल्दी से हम राशन को तरतीब दे रहे हैं। ये हमारी बहन है यूएसए से,
न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क में रहने वाली हैं, तो उनकी तरफ से ये गरीबों के लिए एक तोहफ़ा है और रमज़ान का ये तोहफ़ा अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल करें और अल्लाह पाक उनके मालो जान में मज़ीद बरकतें अता करें। वो इसी तरह गरीब लोगों में अल्लाह पाक की नेमतें बांटती रहें। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह पाक उन्हें जज़ाए खैर दे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी ख़वातीन को यहाँ पर जल्दी से बिठाते हैं और ख़वातीन से दुआ करवाते हैं उस सिस्टर के लिए जिस सिस्टर ने यह अहतमाम किया है इन हकदार ख़वातीन के लिए, तो अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे, तो उनके लिए दुआ करवाते हैं और फिर उस सिस्टर की अमानत जो है वो इन सिस्टरों के हवाले करते हैं और फिर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, न्यूयॉर्क से जिस सिस्टर ने यह राशन भेजा था अल्लाह पाक उन्हें जज़ाए खैर दे और उनकी अमानत जो है वो बाहिफाजत हमने इन ख़वातीन तक पहुंचा दी है। अब इस इन ख़वातीन से दुआ करवाते हैं उनके लिए जिसने इन लोगों का चूल्हा जलाने की कोशिश की है अपनी तरफ से, अल्लाह पाक उनकी कोशिश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप सब हाथ उठा के मेरी बहनें दुआ कर दें कि अल्लाह पाक उनके रिज्क में, जाल में, जान में, माल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक उनकी नेक कमाई में और मज़ीद बरकतें दे ताकि वो इसी तरह आप गरीब लोगों के चूल्हे चलाती रहें और अल्लाह पाक की नेमतें जो है वो हकदारों तक पहुंचाती रहें। अल्लाह पाक उन्हें मज़ीद ढेरों खुशियां अता फरमाए और अल्लाह पाक उन्हें ऐसे नेक काम ढेर करने की तौफीक अता फरमाए, तो उनके लिए ढेर सारी दुआ कर दें। अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे। अल्लाह आमीन। ला इलाहा। जब भी इस राशन से खाना बनाइएगा तो उनको दिल में ज़रूर याद रखिएगा और उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को भी रिज्क में बरकतें अता फरमाए और अल्लाह पाक उनको भी इस कार्य खैर का पूरा अजर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये अमानत थी उनकी तरफ से, आपको ये हवाले करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस अमानत से बरी हुए, ये अमानत जो है ना आप लोगों तक पहुंच गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। लेके जा सकते हैं आप? हाँ, ये आप लोग लेके जा सकते हैं, ये आपका है सब। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब ख़वातीन जो हैं वो लेकर अपना अपना राशन, अपना अपना हिस्सा अपने घरों को जा रही हैं क्योंकि सभी को रोज़ा है, तो जाकर पुरसकून तरीके से खुशी के साथ, खुशी का इजहार करते हुए वो जा रही हैं अपने अपने घर। अल्लाह पाक इन्हें खुश रखे। तो भी इनको अच्छे से लपेट के रख देते हैं, इनको डबल कर दिया ताकि ना बीच वाली साइड ख़राब ना हो। मामी दूसरे तरीके से लपेट रही हैं जल्दी जल्दी, लेकिन मामू आपसे जल्दी लपेट लेंगे, आप जितनी मर्जी जल्दी कर लें। वो देखें, ये भी उठा लो। ट्रिक नंबर टू आजमाइए, चलें। तो माशाल्लाह से राशन लेके चली गई हैं सब खवातीन, तो माशाल्लाह से बहुत ज्यादा खुश होके गई हैं। हम भी बहुत दिल से खुश हैं जी कि अल्लाह पाक माह रमज़ान में ऐसे नेक काम करने की तौफीक देता, और वो हमारे लिए भी ढेर सारी दुआएं कर रही थी और उस सिस्टर के लिए भी बहुत सारी दुआएं कर रही थी। बहन पे जिम्मेदारी देते हैं और हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, सबका तह दिल से शुक्रगुजार हूं। इस वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप बहन भाई को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।